आइए आज आप लोगों को कक्षा 10 का जो अनिवार्य संस्कृत है उस अनिवार्य संस्कृत का पाठ 1 जो वाराणसी है उसको आज पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए प्रथम पाठ है वाराणसी। पहला पैराग्राफ है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलील तरंगया गंगाया कूले स्थिता अस्याह घट्टानां वलयाकृति पंक्तः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याः घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहुप्रशंसन्ति प्रशंसन्ति। देखिए अर्थ देखिए वाराणसी सुविख्याता अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीना प्राचीन नगरी माने नगर है। वाराणसी अत्यंत विख्यात प्राचीन नगर है। इयम विमल सलील तरंगया इयम माने यह नगर विमल स्वच्छ सलील माने जल वाले तरंगया माने तरंगों वाली यानी यह जो नगर है वह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगया माने गंगा के कूले माने किनारे स्थिता माने स्थित है यानी यह वाराणसी नगर स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टानाम अस्याह माने इसकी घट्टानाम घाटियों में वलयाकृति मतलब घुमावदार पंक्ति मतलब पंक्तियां धवलायाम सफेद चंद्रिकायाम चंद्रिका वाली चांदनी वाली बहु माने बहुत सी राजते माने सुशोभित होती इसकी घाटियों में घुमावदार पंक्तियों वाली स्वच्छ चंद्रिका अत्यंत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अगणिताः मतलब अनगिनत पर्यटकाः पर्यटक भ्रमण करने वाले सुदूरेभ्यः देशेभ्यः यानी दूर दूर देशों से नित्यम् सदैव अत्र माने यहाँ आयान्ति माने आते हैं। कह रहे हैं कहा गया है कि अनगिनत पर्यटक दूर दूर से दूर दूर के देशों से वह क्या करते हैं इस नगर को देखने के लिए आते हैं। अस्याह घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति और क्या करते हैं अस्याह मतलब इसकी घट्टानाश्च और घाटियों की शोभा माने शोभा को विलोक्य माने देखकर इमां बहु प्रशंसन्ति इमां माने इसकी बहु माने बहुत प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं यानी अनगिनत पर्यटक दूर देशों से यहाँ सदैव आते हैं और इसकी घाटियों की सुंदरता को शोभा को देख करके इस नगर की अत्यंत प्रशंसा करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते वाराणस्याम वाराणसी प्राचीन काला देव यानी प्राचीन समय से ही गेहे गेहे घर घर में विद्याया माने विद्या की दिव्यम ज्योति यानी दिव्य ज्योति द्योतते मतलब प्रकाशित होती यानी वाराणसी में प्राचीन समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि माने आज भी अत्र माने यहाँ संस्कृत वांगधारा यानी संस्कृत वांगधारा मतलब वाणी की धारा सततम माने सदैव प्रवहति मतलब प्रवाहित होती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की जो धारा है वह सदैव प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानाश्च वर्धयति ज्ञानानाम और जनानाम यानी लोगों की ज्ञानाश्च ज्ञान को वर्धयति माने बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्यः धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं नेताः अत्र माने यहाँ अनेके माने अनेक आचार्यः माने आचार्य मूर्धन्याः विद्वांसः और मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य यानी वैदिक संस्कृत के अध्ययने अध्यापने अध्ययन यानी पढ़ने अध्यापने च और पढ़ाने के लिए इदानीं यहाँ नेताः माने लगे हुए हैं। करें कि आज भी अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक संस्कृत के वांगमय को साहित्य के वांगमय को पढ़ने और पढ़ाने के लिए यहाँ लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय न केवलम माने न केवल भारतीय यानी भारतीय अपितु बल्कि
वैदेशिका यानी विदेशी भी गिरवाण वाणया यानी संस्कृत वाणी की के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृहणन्ति और निःशुल्क विद्या गृहणन्ति माने ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ इत्येते इस प्रकार के त्रय हमारे तीन विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय सन्ति माने हैं। यानी इस वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे तीन जो है विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलति। येषु यानी इनमें जो ये विद्यालय हैं इनमें नवीनानां यानी नई प्राचीनानां च प्राचीनानाश्च और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणां ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनं प्रचलितं प्रचलति मतलब अध्ययन जो है यहाँ जो है चलता है। अगला देखिए पैराग्राफ। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी यह नगर भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृत की संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति यानी केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इत एव इसलिए संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य का संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोक माने प्रकाश सर्वत्र माने सब जगह प्रसिद्ध माने फैला हुआ है। ये कहा जा रहा है कि इसलिए यहाँ पर संस्कृत साहित्य का और संस्कृत भाषा का जो प्रकाश है वह सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज माने मुगल युवराज मुगल बादशाह दारासिको दारासिको अत्रागत्य अत्र माने यहाँ आगत्य माने आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम यानी भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्। स माने वह तेषां माने इसके ज्ञानेन माने ज्ञान से तथा प्रभावित अभवत् यानी प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदां अनुवादः पारसी भाषायां कारितः यानी प्रभावित होकर के उसने क्या किया। यत तेन उपनिषदां यानी उसने इसके उपनिषद को क्या किया अनुवादः अनुवाद पारसी भाषायां कारितः पारसी भाषा में करवाया। अगला है इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थले। इयम नगरी यानी यह वाराणसी नगर विविध माने अनेक धर्माणां धर्मों की संगम स्थली यानी मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मान अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन। कहा गया है कि महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च और अन्य बहवा माने बहुत से महात्मन माने महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान मतलब अपने विचारान विचारों का प्रसारयन माने प्रचार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। न केवलम दर्शने न केवल दर्शन साहित्य साहित्य धर्मे धर्म बल्कि कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में भी इयम माने यह नगरी माने नगर विविधानां कलानां विविधानां अनेक कलानां कलाओं में शिल्पाश्च और शिल्प में कृते के लिए लोके माने संसार में लोक में विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रिण्यते। अत्रत्या मतलब यहाँ की कौशेय शाटिका रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश देशों में सर्वत्र सब जगह स्प्रिण्यते यानी जो है पसंद की जाती हैं। लास्ट है अत्रत्या प्रस्तर मूर्ते प्रथिता। अत्रत्या मतलब यहाँ की प्रस्तर मूर्ते यानी पत्थर की मूर्तियां प्रथिता यानी प्रचलित हैं प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम इयम माने यह निजाम मतलब अपनी प्राचीन परंपराम यानी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि परिपालयति आज भी इदानीमपि
आज भी परिपालयन यानी उसको पालन पोषण करती है, यानी यह नगर अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन पोषण करती है। तथा गीयते कभी भी, जैसा कि कवियों ने गाया है, क्या गाया है, श्लोक है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतियश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी के नियते। कहा गया है कि मरणम मंगलम यानी जहां मरना, कहा काशी में, काशी में ऐसी ऐसी एक धारणा थी प्राचीन समय में कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसको स्वर्ग मिलता है। ऐसा जो है, आप लोगों को कबीरदास का पढ़े भी होंगे, कबीरदास के में आया है कि वह जो है इसी भ्रम को दूर करने के लिए वह काशी छोड़कर के मगध चले गए, क्योंकि उस समय कहा जाता था, ऐसी धारणा थी कि काशी में जो मरता है उसको स्वर्ग, जो मगध में मरता है उसको मृत। तो ऐसा ही काशी की महिमा यहाँ वर्णित की गई है कि मरणम मंगलम, जहां मरना मंगल हो, यत्र विभूतियश्च विभूषणम, यत्र माने जहां, विभूतियश्च मतलब जहां की भभूत यानी जो भस्म लगाया जाता है शरीर में, साधु संन्यासी लगाते हैं, विभूषणम वह क्या है, आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम मतलब लंगोट, जो साधु संन्यासी लंगोट धारण करते हैं, लंगोट पहनते हैं, कौपीनम यत्र यानी जहां का लंगोट, कौशेयम सा काशी के नियते यानी कौशेयम यानी जो रेशमी वस्त्र, सा काशी, सा माने उस काशी माने काशी को, केन मियते यानी कौन माप सकता है, उसको मापा नहीं जा सकता, यानी जहां पे मरना मंगलकारी हो, जहां की बहुत भस्म जो है आभूषण हो, जहां लंगोट और रेशमे रेशमी वस्त्र जहां के प्रचलित हो, मशहूर हो, सा काशी केन मियते, उस काशी की महिमा को कौन माप सकता है। इस तरह से ये आपका संस्कृत का अनिवार्य यानी हिंदी का अनिवार्य संस्कृत का जो पहला पाठ था वाराणसी समाप्त होता है।